हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र सिंह भाटिया, चंडीगढ़ कैरियर एकेडमी कैरियर ग्रुप में आपका सबका वेलकम है। ठीक है, जैसे कि हमारा कोर्स 30 डेज का कोर्स जो हमारा चल रहा है, तो हमने लास्ट क्लास में प्रोनाउन पढ़ा था। उसके पहले कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किए थे, फाइंड द एरर किए थे। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नाउन, ये इंग्लिश का है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाउन। ठीक है, अगर हम एक नाउन की बात करें तो नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। नाउन को बोला जाता है संज्ञा। ठीक है, बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एक्सेट्रा। और नाउन की अगर डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज नाउन, नाउन होता क्या है। नाउन की बात करें तो नाउन मतलब होता है एनिमल, प्लेस, पर्सन और थिंग। ठीक है, अगर हम एक नाउन की बात करें तो एनिमल, प्लेस, पर्सन और थिंग होता है। कोई भी एनिमल, कोई भी प्लेस, कोई भी पर्सन या कोई भी थिंग, इन्हीं को नाउन बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में नाउन होता क्या है, विच टाइप्स ऑफ नाउन, ये हमको मालूम होना चाहिए। तो कॉमन नाउन हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन को बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन को बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है बहुवाचक संज्ञा। इन 5 टाइप्स ऑफ नाउन में ना, ये कलेक्टिव नाउन बड़ा इंपॉर्टेंट नाउन है। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो मोस्टली कलेक्टिव नाउन के ही आते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके सारे नाउन को डिस्कस करते चलते हैं। सबसे पहले लिखा है हमारा कॉमन नाउन, मतलब जातिवाचक संज्ञा। अब कॉमन नाउन क्या होता है, अगर एक डेफिनेशन के तौर पे ले तो विच इज कॉमन टू ऑल, विच इज कॉमन टू ऑल, जो सब में कॉमन है। जैसे मैंने लिखा स्कूल, ठीक है, मैंने लिखा पेन, या मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल मोबाइल। तो जो चीज बहुत सारी होती है, जो वो हमेशा कॉमन नाउन होती है, विच इज कॉमन टू ऑल। लेकिन जैसे मैं स्कूल को नाम दे दूं, इसको नाम दे दिया मैंने डीपीएस, पेन को नाम दे दिया मैंने रोनाल्ड, या मोबाइल को नाम दे दिया मैंने सैमसंग। ठीक है, तो व्हेन द कॉमन नाउन इज नोन बाय एनी पर्टिकुलर नेम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। मतलब जब हमारा कॉमन नाउन किसी नाम से जाना जाता है तो क्या बन जाता है, ये प्रॉपर नाउन। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर हुआ, कॉमन नाउन मतलब जो चीज बहुत सारी होती है, स्कूल, कॉलेज, चर्च, पेन, टेबल, सिटी, सब कॉमन है। लेकिन कॉमन नाउन को नाम देते ही वो प्रॉपर बन जाएगा। तो जो भी नाम होता है वो प्रॉपर होता है। थर्ड लिखे आपका मटेरियल, मटेरियल मतलब सामग्री। जैसे मैंने बोला टेबल इज मेड ऑफ वुड, ठीक है, टेबल इज मेड ऑफ, टेबल इज मेड ऑफ वुड। तो टेबल किससे बना है, वुड से बना है। तो टेबल तो तुम्हारा कॉमन नाउन है, लेकिन आपने किससे बनाया उसको, वुड से बनाया। तो जो सामग्री आप यूज कर रहे हो, इसी को बोलते हैं हम लोग मटेरियल नाउन। ठीक है, तो ये आपका था मटेरियल नाउन। फोर्थ है कलेक्टिव नाउन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाउन है। कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग बट कंसिडर एज अ सिंगल यूनिट। ठीक है, कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग होता है बट कंसिडर एज अ सिंगल यूनिट, का मतलब होता है बहुत सारे वर्ड है जो पूरे ग्रुप को शो करते हैं, उसका नाम एक ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूँ, मैं बात करता हूँ क्लास की, मैंने बोला क्लास 1 बाहर आ जाओ, तो एक लड़का नहीं आएगा, पूरी क्लास आएगी। अगर आपने बोला बाहर बहुत क्राउड है, तो क्राउड मतलब होता है भीड़। तो भीड़ में एक लोग नहीं होते, एक से ज्यादा लोग होते हैं, मतलब पूरा ग्रुप शो करता है। तो ऐसा कोई भी वर्ड जो सारे ग्रुप को शो करेगा वो कलेक्टिव नाउन होगा। अच्छा, कलेक्टिव नाउन के साथ याद रखने वाली बात है, कलेक्टिव नाउन के साथ जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है। सिंगुलर का मतलब है, अगर मुझे कभी भी, फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कभी भी क्लास के बाद अगर मैं बोलूंगा इज या आर में से एक को सेलेक्ट करो, तो मुझे किसको लगाना पड़ेगा, इसको लगाना पड़ेगा। कलेक्टिव नाउन के साथ जो आने वाला जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है, वो प्लूरल नहीं होता। क्राउड के बाद अगर मुझे हैज या है में से को अगर सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं किसको सेलेक्ट करूंगा, हैज को। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ क्राउड, मैं बोलता हूँ हैज या है में से को सेलेक्ट करो, तो मुझे किसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, हैज। तो लास्ट है आपका एब्सेंट नाउन। एब्सेंट मतलब भाववाचक संज्ञा। जैसे हिंदी में ईमानदार का ईमानदारी बनाते हैं, बेईमान का बेईमानी बनाते हैं, सेम इंग्लिश में ऑनेस्ट का ऑनेस्टी बनता है, वाइस का विजडम बनता है। तो ये जो बदला हुआ शब्द होता है, इसी को एब्सेंट नाउन बोलते हैं। एब्सेंट नाउन मतलब होता है विच वी कैन नॉट सी और टच, वी कैन ओनली फील, जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर। नाउन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ये टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। टू पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक होता है काउंटेबल, ठीक है, एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब होता है विच वी कैन काउंट, अनकाउंटेबल मतलब विच वी कैन नॉट काउंट, जिसको गिन सकते हो वो काउंटेबल है, जिसको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल है। स्कूल, कॉलेज, चर्च, पेन, टेबल, सब काउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन मतलब वाटर, ऑयल, शुगर, विच वी कैन नॉट काउंट। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ये वर्ब हमेशा सिंगुलर लेते हैं। ठीक है, सिंगुलर लेते का मतलब है, अगर मुझे वाटर के बाद
कभी इज या आर में से को सेलेक्ट करना पड़ा तो मैं किसको सेलेक्ट करूंगा, इज को सेलेक्ट करूंगा। अनकाउंटेबल ऑलवेज टेक सिंगुलर। चलिए अब आते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस में। अब जैसे आपके सामने कुछ सेंटेंस है, अभी जितने भी सेंटेंस है इसमें नाउन पहचानना है, आइडेंटिफाई द नाउन एंड विच टाइप्स ऑफ नाउन, हमको बताना है नाउन कौन सा है और कौन से प्रकार का वो नाउन है। सबसे पहले तो इसमें नाउन को अलग करते चलेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल लिखा है, पहले सेंटेंस की बात करें तो दिल्ली कैपिटल और इंडिया है, तीनों नाउन है, ठीक है, क्योंकि दिल्ली जगह है, इंडिया भी जगह है, कैपिटल भी एक जगह ही है, तो प्लेस है। तो नाउन की डेफिनेशन क्या है, एनिमल प्लेस पर्सन और थिंग। अब दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, अब दिल्ली नाम है तो जो नाम होता है ऑलवेज प्रॉपर नाउन होता है, इंडिया भी नाम है तो ये भी प्रॉपर है, कैपिटल किसी का नाम नहीं है बट कैपिटल विच इज कॉमन टू ऑल, बहुत सारी है तो ये तुम्हारा चले जाएगा कॉमन नाउन में, दिल्ली इंडिया प्रॉपर है, कैपिटल कॉमन है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इस क्वेश्चन में देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू भी आपका नाउन है, प्राइम मिनिस्टर एक इंसान है मतलब वो भी एक नाउन होगा, इंडिया भी एक नाउन है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इंडिया दोनों नाम है तो ये दोनों आपके हो जाएंगे प्रॉपर नाउन, जवाहरलाल नेहरू भी हो जाएगा प्रॉपर नाउन, और ये जो प्राइम मिनिस्टर कोई ना कोई इंसान है मतलब नाउन है लेकिन ये किसी का नाम तो है नहीं तो ये चले जाएगा तुम्हारा कॉमन नाउन। थर्ड में आते हैं आपका, एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ, तो एलिफेंट आपका नाउन है, स्ट्रेंथ भी आपका नाउन है, ठीक है, स्ट्रेंथ किसका बनता है, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रेंथ बनता है, तो स्ट्रेंथ ताकत को तुम देख नहीं सकते तो ये तुम्हारा चल जाएगा एब्सेंट नाउन में, ठीक है, स्ट्रेंथ इज एब्सेंट नाउन एंड एलिफेंट इज अ कॉमन नाउन, एलिफेंट आ जाएगा आपका कॉमन नाउन, एलिफेंट बहुत सारे मतलब कॉमन है। फोर्थ है, पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक, तो पेन ये कॉमन है, अभी किससे बना है, प्लास्टिक से, तो ये अपने सामग्री यूज की, तो हम किसी भी चीज के अगर कोई सामग्री यूज करते तो वो हो जाता है हमारा मटेरियल नाउन। फिफ्थ है, क्राउड हैज डन इट्स वर्क, क्राउड पूरा एक ग्रुप है तो जो भी शब्द ग्रुप को शो करता है वो होता है कलेक्टिव नाउन, तो क्राउड इज अ कलेक्टिव नाउन। तो ये था आपका नाउन पहचानने का तरीका। अब नाउन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, टू पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, काउंटेबल मतलब विच वी कैन काउंट, अनकाउंटेबल मतलब विच वी कैन नॉट काउंट। चलिए ठीक है, तो ये सारा हमारा नाउन था। अब आते हैं हम आज के कुछ क्वेश्चंस पे। चलिए, द मदर वॉज एंशियंट डैश द सेफ्टी ऑफ हर सन, इस क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया आपने, एंशियस, एंशियंट मतलब होती है चिंता, ठीक है, एंशियंट मतलब होता है चिंता। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसका प्रीपोजिशन बिल्कुल फिक्स होता है, तो एंशियस मतलब चिंता होती है, एंशियस के साथ ना अबाउट को लगाया जाता है, अबाउट को, करेक्ट आंसर होगा आपका अबाउट, ठीक है, एंशियस मतलब होती है चिंता, इसको फिक्स प्रीपोजिशन बोलते हैं इंग्लिश में, 60% वर्ड तो ऐसे हैं जिनका प्रीपोजिशन बिल्कुल फिक्स होता है, एग्जाम में वही वर्ड ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो हर वीडियो में मैं आपको कुछ ना कुछ नए वर्ड आपको बता ही रहा हूँ, अब आप अपना ऐड करते जाइएगा, एंशियस के साथ अबाउट लगता है। नेक्स्ट है, ही हैज सोल्ड डैश मिल्क विच आई गिव, ऑप्शन दिया लिटिल अ लिटिल द लिटिल फ्यू, सबसे पहले तो आपका फ्यू नहीं हो सकता क्योंकि फ्यू आता है काउंटेबल में, मिल्क तुम्हारा अनकाउंटेबल है तो फ्यू तो आएगा नहीं क्योंकि आप एक अनकाउंटेबल की बातें कर रहे हो। अब क्वेश्चन में लगा है विच, ठीक है, देखो एक होता है हु और एक होता है विच और एक होता है डैट, अगर सेंटेंस के बीच में कभी भी तीन में से कोई भी वर्ड लगेगा इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन बोला जाता है, सेंटेंस के बीच में कभी भी हु विच और डेट लगेगा तो आर्टिकल द लग जाएगा, करेक्ट आंसर बनेगा द लिटिल, ठीक है, सेकंड का आपका करेक्ट आंसर है द लिटिल बिकॉज विच इज यूज्ड इन योर सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैड आई सेव्ड मनी आई डैश अ न्यू कार, ठीक है, अगर मैं पैसा सेव करता तो मैं कार खरीदता, इसका मतलब है, अब हमको पता करना है कि इसमें आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो विल नहीं हो सकता क्योंकि हैड एक पास्ट टेंस है, विल एक फ्यूचर है, तो जनरली पास्ट के साथ फ्यूचर कैसे आ सकता है, ये तो हो नहीं सकता। अब इस क्वेश्चन में ना आपने हैड का यूज किया हुआ है, इसको ना कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, तो पहले पार्ट में अगर हैड का यूज करोगे ना तो सेकंड पार्ट में आपको वुड का यूज करना पड़ेगा, ये उसका पेयर है, हैड के साथ वुड का पेयर बनता है, हैड के साथ बनता है वुड का पेयर। अब वुड वाले आपके पास दो ऑप्शन है, एक आपके पास है बी और एक आपके पास सी, मतलब ये दो में से ही आंसर होगा। अब यहाँ पर हेड के बाद देखिए क्या लिखा हुआ, सेव, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। तो अगर कंडीशनल सेंटेंस का रूल है, पहले पार्ट में वर्ब का जो फॉर्म है सेकंड पार्ट में वही फॉर्म आता है, तो आपने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया मतलब यहाँ भी थर्ड फॉर्म आएगा, तो
आंसर क्या होगा, वुड है परचेस, ये परचेस आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। करेक्ट आंसर होगा आपका वुड है परचेस, दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील इज अ डैश फॉर अवर कंपनी, ये जो भी ऑप्शन दिए है सारे इडियम्स हैं, इनके अपने एक मीनिंग है। ठीक है, क्लोज शेप का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से बचना, बाल बाल बचना, क्लोज शेप। कोल्ड रिसेप्शन मतलब होता है दिखावटी स्वागत, ठीक है, दिखावे का स्वागत, दिखावटी स्वागत, वेलकम, कोल्ड रिसेप्शन। और बिग गन मतलब होता है इंपॉर्टेंट पर्सन, महत्वपूर्ण व्यक्ति, बिग गन मतलब होता है इंपॉर्टेंट पर्सन, ब्लू ब्लड अमीर घर का। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम वो क्लोज शेप तो किसी भी एंगल से हमारा नहीं जम रहा है, क्लोज शेप बड़ी मुश्किल से बचना, यहाँ कंपनी की बात कर रहे हैं बचने की, तो दिखावटी स्वागत है, यहाँ भी कुछ स्वागत तो हो नहीं रहा। बिग गन इंपॉर्टेंट पर्सन, तो सुनिए हमारी कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, तो बिग गन आपका सुटेबल है, ब्लू ब्लड अमीर घर का ये भी सुटेबल नहीं है। करेक्ट आंसर होगा सी, मतलब ये कि अगर आपको इडियम्स के मतलब पता है तो आंसर आपको मालूम जरूर चलेगा, आपको सिर्फ इडियम्स को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आई वॉज एंग्री डैश माई सेल्फ, इस क्वेश्चन में आपने वर्ड यूज किया हुआ है एंग्री, ठीक है, एंग्री मतलब होता है नाराज होना। देखो आप दो से नाराज हो गए, या तो लिविंग से हो गए या तो हमारे नॉन लिविंग से हो गए, या तो लिविंग या तो नॉन लिविंग। अगर मैं तुमसे नाराज हूं, तुम लिविंग हो तो मैं विथ यू बोलूंगा, और अगर मैं तुम्हारे रिजल्ट से नाराज हूं तो मैं बोलूंगा एट योर रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट तुम्हारा नॉन लिविंग है। ठीक है, तो जब हम किसी लिविंग चीज से नाराज होते हैं विद लगाते हैं, कभी नॉन लिविंग चीज से नाराज होंगे तो एट लगाएंगे, विद एट के अलावा दूसरा भी क्वेश्चन नहीं आता है इसमें। अब इस क्वेश्चन में देखो डैश के बाद लिखा है माई सेल्फ, मैं खुद से नाराज हूं, मतलब मैं लिविंग हूं, तो लिविंग थिंग के लिए क्या आएगा आपका, विद आएगा। करेक्ट आंसर होगा आपका, दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, ही इंसिस्टेड डैश विथ मी, इंसिस्ट मतलब लिखे दबाव डालना, जोर डालना, ठीक है, इंसिस्ट मतलब होता है दबाव डालना। अब इंग्लिश में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको सेंटेंस से कोई मतलब नहीं होता, इनके बाद ना इनके साथ हमेशा ऑन लगता है और वर्ब में आएंगी लगता है, जितने भी कुछ गिने चुने वर्ड है इनके साथ क्या लगेगा आपका, ऑन, और लगेगा आपका वर्ब में आई एन जी। ठीक है, तो इंसिस्ट मतलब होता है दबाव डालना, जोर डालना, इंसिस्ट। इंसिस्ट के साथ पहला रूल तो ये कि ऑन लगाया जाता है, और दूसरा रूल ये कि जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं ऑन, फॉर, फ्रॉम, इनके बाद ना वर्ब में आई एन जी लग जाता है। योर करेक्ट आंसर इज ऑन, ठीक है, इंसिस्ट मतलब दबाव डालना, जोर डालना। तो आपका अगला क्वेश्चन है, दिस स्टूडेंट बिहेवियर इज डैश फॉर अवर स्कूल, इसमें एक वर्ड आया है डिसग्रेस, ठीक है, डिसग्रेस मतलब होता है अपमानजनक, डिसग्रेस अपमानजनक। अब इस चारों ऑप्शन में आपने एक कॉमन वर्ड यूज किया हुआ है, वो है आपका डिसग्रेस, ठीक है, चारों में आपका कॉमन वर्ड है डिस्ग्रेस, ये आपका कॉमन वर्ड है चारों में, देखो आपने यूज किया हुआ है। अब आपसे बस ये क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि डिस्ग्रेस के साथ लगता क्या है, तो डिस्ग्रेस के साथ एक ही प्रीपोजिशन लगाया जाता है, वही पहला है वही आखिरी है, वो है आपका टी ओ टू, ठीक है, डिस्ग्रेस के साथ टू लगता है, करेक्ट आंसर होगा आपका टी ग्रेस टू। नेक्स्ट है ए डैश ऑफ शिप, ठीक है, शिप के समूह के लिए कौन सा वर्ड आता है, ये चारों ऑप्शन जो दिए कलेक्टिव नाउन है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कलेक्टिव नाउन, ठीक है, इसमें डी वाले को छोड़ देंगे तो बाकी तीनों कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज होते हैं। अब पहला वर्ड दिया कॉन्वे, ठीक है, ये कॉन्वे, और एक होता है फ्लीट, ये दोनों ना जहाज के लिए आता है, शिप के लिए कॉन्वे भी आता है, फ्लीट वर्ड भी आता है। क्रू आता है सेलर के लिए, नाविक, नाव चलाने वाले, जिसको बोलते हैं सेलर्स। क्लैन आता है फैमिलीज के लिए, परिवारों के समूह के लिए। और कॉप्स किसी के लिए आता नहीं है, कॉप्स का मतलब होता है सेना का दल, ठीक है, सी यू आर पी एस सी, कॉप्स मतलब होता है सेना का दल, इसी में ई लगा दोगे ना, सी यू आर पी एस सी, तो इसका मतलब मनुष्य की डेड बॉडी होता है, ठीक है, कॉप्स मतलब होता है सेना का दल। क्वेश्चन के हिसाब से फिलहाल तो आपसे शिप का पूछा है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा कॉन्वे, शिप के लिए कॉन्वे वर्ड भी आता है, फ्लीट वर्ड भी आता है, डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो लिखा है दे इंजॉय डैश इंग्लिश, अब यहां पर एक वर्ड यूज किया आपने इंजॉय, ठीक है, इंग्लिश में कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिनके बाद ना हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी यूज होता है, उन्हीं में से वर्ड तुम्हारा इंजॉय, इंजॉय इज आल्सो वन ऑफ देम, इंजॉय हो गया। या फॉर एग्जाम्पल अगर एक वर्ड यूज करोगे माइंड,
ठीक है, एक वर्ड होता है प्रिवेंट, इंग्लिश में वर्ड आता है हिंडर। तो ये कुछ ऐसे वर्ड है जिनको ज्यादा सेंटेंस से कोई खास मतलब तो नहीं होता, पर इनके बाद वर्ब में आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो आईएनजी के अकॉर्डिंग बात करें तो करेक्ट आंसर होगा आपका स्पीकिंग, दिस इज योर करेक्ट। वर्ब प्लस आईएनजी का मतलब जीरट होता है। अगला क्वेश्चन है वुड यू माइंड डैश देयर, ठीक है, फिर आपको इस क्वेश्चन में एक नया वर्ड मिल गया, वो है आपका माइंड है। देखो वुड यू माइंड, डोंट माइंड, जितने भी माइंड वाले क्वेश्चन हैं इनके साथ भी जीरन का यूज करते हैं। जीरन मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, वुड यू माइंड, डोंट माइंड। और मैंने आपको बताया था प्रोहिबिट, हिंडर, प्रोहिबिट, प्रिवेंट, हिंडर, यहाँ एक वर्ड आता है फॉरबिट, फॉरबिट मतलब मना करना। ये सब ऐसे वर्ड है जिनके बाद ना वर्ब में एनजी ही लगाना पड़ेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। आते हैं हम फाइंड द एरर में, ठीक है, तो सारी चीजों को साथ लेते हुए चलना है आपको। ग्रामर का नॉलेज भी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वोकैबुलरी भी ठीक करना है, साथ में आपको एरर का भी प्रैक्टिस करना है। जब सारी चीजों को ठीक करोगे तब आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम पेपर निकालने लायक बनोगे। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड। इस क्वेश्चन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है अनलेस। देखो इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके आने से ही ना आंसर मालूम चल जाता है, क्योंकि आंसर जनरली उसके आसपास ही होता है। अब ये अनलेस दिया तो कोई रीजन से ही दिया होगा, तो ये अनटिल अनलेस इनके जब भी ये कोई वर्ड देगा तो जरा ध्यान से पढ़ना, कुछ रीजन इसलिए इस वर्ड को दिया गया है, बिना रीजन के तो वर्ड आता नहीं है। अब ये अनलेस, अनलेस मतलब होता है यदि नहीं, ठीक है, एक होता है अनलेस, और एक वर्ड होता है अनटिल, और एक इनकेस। ये तीन वर्ड तो आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा, और भी वर्ड है बट फिलहाल तीन याद रख लेना है। ये तीनों के बाद ना कभी नॉट नहीं लगता है, ये तीनों के बाद, ये तीनों निगेटिव वर्ड है। वी कैन नॉट यूज नॉट आफ्टर दिस थ्री वर्ड्स। अब क्वेश्चन में लगा है डोंट, डोंट नहीं आएगा, ठीक है, डू नॉट की जगह सिर्फ डू आएगा, अनलेस यू डू वर्क हार्ड। क्लियर? तो अनलेस अपने आप में निगेटिव वर्ड है, अनलेस के पहले जो मर्जी करो, अनलेस के बाद नॉट नहीं लगा सकते। आपका जो एरर है वो आपका है सी पार्ट में एरर है। आप अवर इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट कैन बोस्ट ऑफ यूनिटी एंड डिवर्सिटी। इस क्वेश्चन को ना आपने अवर से शुरू किया है, और मैंने आपको प्रणाम के समय सारा आपको क्लियर किया था। अगर किसी ने मेरा प्रणाम का वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। प्रणाम टॉपिक में मैंने सारा माई अवर योर ही सर ये सब कुछ मैंने क्लियर किया था। अब इस क्वेश्चन में ना अवर लगा हुआ है। अब होता क्या है, अवर के बाद ना एक नाउन आना चाहिए, अवर के जस्ट बाद एक नाउन आना चाहिए। तो अवर के बाद यहाँ पर लगा है इज, नाउन तो है नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर नाउन नहीं है तो अवर नहीं आएगा, अवर की जगह अवर्स आएगा, ठीक है, अवर की जगह हो जाएगा अवर्स। योर होगा तो योर्स हो जाएगा, देयर होगा तो देयर्स होगा। पर जो एरर है वो आपके पहले ही पार्ट में है। नेक्स्ट है अशोका वाज वन ऑफ द नोबलेस्ट किंग्स ऑफ ऑल अदर। इस क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया आपने नोबलेस्ट, ठीक है, नोबल, नोबलर, नोबलेज। तो जैसे क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेज, स्मॉल, स्मॉलर, और तो ये जो वर्ड आपने यूज किया ना, ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव तीन डिग्री होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव, एक सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री में कभी भी अदर का यूज नहीं होता, या सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर का यूज नहीं होता। क्वेश्चन में लगा है ऑफ ऑल अदर, ये जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर अदर का यूज रॉन्ग किया गया, ऑफ ऑल वर्ल्ड होगा, अदर वर्ल्ड नहीं होगा। तीन डिग्री होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और एक सुपर लेटिव, ठीक है। डिग्री का एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा जिसमें सिर्फ डिग्री के ही क्वेश्चन बनाएंगे, अदर का यूज नहीं होता, इसलिए आपका जो एरर है वो आपका है सी पार्ट। आई एट मैंगो विच यू गेव मी 3 डेज एगो। इस क्वेश्चन में एक सेंटेंस में यूज हुआ है विच, ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके हैं। सेंटेंस के बीच में विच लगाए, और मैंने आपको बताया था हु, विच और डेज जब सेंटेंस के बीच में आते हैं तो उनको रिलेटिव प्रोनाउन बोला जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो सेंटेंस के बीच में कभी भी विच लगेगा तो आर्टिकल दा लगेगा, ठीक है। तो आई एट मैंगो नहीं होगा, आई एट द मैंगो होना चाहिए पहले ही पार्ट में, ठीक है। हु, विच और डेज के साथ हमेशा आर्टिकल सबसे पहले दा को ही चेक करना, दा नहीं लगा तो वो एरर है, आई एट द मैंगो होना चाहिए। बिसाइड चॉकलेट दे आल्सो वॉट मेनी टॉयज एंड स्वीट्स फॉर चिल्ड्रन। क्वेश्चन शुरू किया आपने बिसाइड से, ये जो बिसाइड है ना इसका मतलब होता है बाजू में, लेकिन वो बाजू में नहीं बोलना चाहता, के अलावा बोलना चाहता है, तो बिसाइड नहीं आएगा, बी साइड आएगा।
है, ये भी साइड मतलब बाजू में, लेकिन वो बोलना चाहता है के अलावा, चॉकलेट के अलावा जो भी है, तो बी साइड नहीं आएगा, बी साइड आएगा, पहले ही पार्ट में आपका एरर था। ठीक है, क्योंकि बाजू बगल में ऐसे कुछ बात कर नहीं रहा, के अलावा की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में ही आपका एरर था। ठीक है, अब आते हैं हम कुछ वोकैब पे। एक बार दिया फिल्दी, सबसे पहले तो हमको इसका मतलब पता होना चाहिए। फिल्दी, फिल्दी का मतलब होता है डर्टी, गंदा। ठीक है, फिल्दी मतलब होता है डर्टी। पहला वर्ड दिया एकुमुलेट, एकुमुलेट मतलब होता है इकट्ठा करना, तो इंग्लिश में ये भी बोलते हैं गार्नर, और एक इकट्ठा करना के लिए ये वर्ड भी आता है कंपाइल। ठीक है, गार्नर होता है, कंपाइल होता है, इसका मतलब इकट्ठा करना होता है। और क्वेश्चन में आपका बोले एकुमुलेट, एक्युमुलेट मतलब भी इकट्ठा करना, तो रिपेंट मतलब होता है पछताना। ठीक है, पछताना के लिए वर्ड होता है रिग्रेट या रिमोर्स, इनका मतलब होता है पछताना। डल्टी मतलब डल्टी होता है, प्रोवोक मतलब होता है उकसाना, चिढ़ाना, लेकिन फिल्दी का मतलब होता है डल्टी, तो करेक्ट आंसर होगा आपका डल्टी, सही आंसर सी होगा आपका। उसके बाद आपका दिया एक्वायर, ACQUIR, एक्वायर मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, एक्वायर मतलब होता है प्राप्त करना, इसमें से कौन सा वर्ड है जिसका मतलब प्राप्त करना है? तो पहला वर्ड तो अपन ये ट्रोथ, ट्रोथ मतलब तो विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है। डिस्पर्स मतलब फैलाना, ठीक है, डिस्पर्स मतलब होता है फैलाना, और रिनाउंस मतलब होता है त्यागना। ठीक है, रिनाउंस, एबंडन, एब्डिकेट, रिनाउंस मतलब त्यागना, नाउ प्रोक्योर मतलब भी होता है प्राप्त करना। ठीक है, प्राप्त करना के लिए कॉमन वर्ड यूज करते हैं ना लोग, ऑप्टेन, ऑप्टेन मतलब भी प्राप्त करना होता है, तो कैर मतलब प्राप्त करना, तो करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, तो ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ाई की, आज का जो वीडियो था, सबसे पहले मैंने आपको कुछ नाउन के बारे में बताया, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सब बताया जो कि हमारे वोकैब से भी रिलेटेड है, ग्रामर से भी रिलेटेड है, लेकिन हमको जो ज्यादा मेहनत करना है वो है वोकैबुलरी पार्ट के ऊपर, क्योंकि तो ग्रामर के क्वेश्चन तो हम चलो बना भी लेते हैं, है वास और हम लगा भी लेते हैं लॉजिक, लेकिन वोकैब में हम लॉजिक नहीं लगा सकते, हमको उसका मतलब पता होना चाहिए, खासतौर पे एडियम्स के। उसका तीसरा आपका फाइंड द एरर था, इसका ग्रामर से कोई खास लेना देना नहीं है, उसके रूल्स हमको कुछ पता होने चाहिए, और एरर का प्रैक्टिस करते करते वो सारे रूल्स हमको याद होने लग जाते हैं। उसके बाद मैंने कुछ वाक्य क्यों बताया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था, और कल के लिए हम कोई नया वीडियो लेके आएंगे, कुछ नए क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में।